नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं आयशा अहमद। आज हम आपको ऑमलेट बनाना सिखाएंगे। ऑमलेट बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें अंडे 2 अदद, प्याज छोटे 2 अदद, हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून, पुदीना 2 से 3 टेबल स्पून, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून या हसबे ज़ायका। तरकीब, सबसे पहले प्याज को छील लें, फिर इसको धोकर इसको चॉप कर लें। हरा धनिया को अच्छी तरह से साफ करके उसके एंड्स काट लें और फेंक दें, और फिर पूरे हरा धनिया को अच्छी तरह से चॉप कर लें। पुदीना डंडियों से अलहदा करके चॉप कर लें। हरी मिर्च को भी चॉप कर लें। अब एक प्याले में अंडा तोड़कर निकाल लें और एक दूसरे प्याले में अंडे को निकालें, इसलिए कि आप अलहदा प्याले में अंडे को निकालने से अगर अंडा ख़राब हो तो कभी भी आपने जो बैटर तैयार किया है उसमें गलती का एहतमाल नहीं रहेगा। अब दूसरे अंडे को भी इसी तरीके से तोड़ के निकाल लीजिए। अंडे वाले मिक्सचर में हल्दी नमक को शामिल करके अच्छी तरीके से कांटे से फेंट लें। अब इसके बाद तैयार शुदा बैटर जिसमें चॉप किया हुआ प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, इसको शामिल करके अच्छी तरह से इसको फेंट लें। चूल्हे पे फ्राई पैन को रखें। अब इसमें ऑयल डाल दें 2 टेबल स्पून। चूल्हे को हल्की आंच पर जला लें। तैयार शुदा बैटर को एक बार फिर फेंट के फ्राई पैन में निकाल दें। अब फ्राई पैन का हैंडल पकड़ के इसको हल्का सा हिलाएं ताकि चारों तरफ से उसका बैटर इवन हो जाए। अब इसको पकने के लिए छोड़ दें। फ्राई पैन का ढक्कन ढक दें और 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर ही पकने दें। जब इसमें से खुशबू निकलने लगे तो आपने ढक्कन हटाना है और इसको चारों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता से चमचे की मदद से अलहदा कर लें। अब जिस चमचे से ऑमलेट को पलटा जाता है उससे बिल्कुल ऑमलेट के दरमियान में चमचे को ले जाएं और आहिस्ता से इसको बैलेंस करते हुए पलट लें। अब इसको दूसरी तरफ से पकने दें। जब इसकी अच्छी तरह से खुशबू आने लगे कि दोनों तरफ से पक गया है तो चूल्हे को बंद कर दें और इसको प्लेट में निकाल के गरम गरम पराठे के साथ पेश करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद आपके लिए नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।